जो आज का टॉपिक है वो रॉबर्ट कियोसाकी के ऊपर है। रॉबर्ट कियोसाकी के ऊपर वीडियो चल रही है। ये वीडियो मेरी बेटी ने मेरे को फॉरवर्ड की कि पापा, जिस बंदे की आप बार बार बात करते हो, अपने ट्रेनिंगों में बात करते हो, अपनी बुक्स में बात करते हो, वो आदमी भी कर्जे में चला गया। यदि कोई बंदा 25 लाख रुपए लोन लेता है और उसके ऊपर उसके पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो ठीक है, लोन तो लोन अपनी जगह पे दिख रहा है, लेकिन उसका एसेट तो 1 करोड़ रुपए का है ना। प्रॉपर्टी क्या, उसकी के पास 15,000 प्रॉपर्टी है जिसका उसने किराया इकट्ठा किया। किराया भी पता नहीं कितने मिलियन में इकट्ठा करा होगा। कूलर पिज्जा वाले एक जलंधर में, यहाँ पर दो बच्चे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ, उनकी कोई नेगेटिव वीडियो आई, मैं कह रहा हूं हर एक बंदे ने उसको फॉरवर्ड किया। वीडियो हमारे पास आती है, नेगेटिव आती है, पॉजिटिव को हम कम फॉरवर्ड करते हैं, जब नेगेटिव आती है तो एकदम फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का टॉपिक है वो रॉबर्ट कियोसाकी के ऊपर है। रॉबर्ट कियोसाकी के ऊपर वीडियो चल रही है, मतलब खबरें चल रही हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी कर्जे में चल रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है, इसके बारे में हमें पूरे तथ्यों के साथ जानकारी लेने की जरूरत है। तो ये वीडियो मेरी बेटी ने मेरे को फॉरवर्ड की कि पापा, जिस बंदे की आप बार बार बात करते हो, अपने ट्रेनिंगों में बात करते हो, अपनी बुक्स में बात करते हो, वो आदमी भी कर्जे में चला गया। तो मैंने कहा बेटा ऐसे मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा, तो फिर भी हम चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद जो देखा गया उसमें से क्या निकल के आता है भाई, उस आदमी ने एक इंटरव्यू में कहा है, ये इंटरव्यू भी मैं हम चला देते हैं, इसमें इंटरव्यू चला रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। तो कर्जा बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा दिवालियापन है, उसके अंदर दिवालिया हो गया, वो दिवालिया नहीं हुआ, बैंकरप्ट नहीं हुआ, कर्जा ज्यादा है और उसके पास एसेट भी तो ज्यादा है। Well, in one of your YouTube videos, you actually said that you're currently $600 million in debt. No? $1.2 billion. Okay. यदि कोई बंदा 25 लाख रुपए लोन लेता है और उसके ऊपर उसके पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो ठीक है, लोन तो लोन अपनी जगह पे दिख रहा है, लेकिन उसका एसेट तो 1 करोड़ रुपए का है ना। जब मर्जी करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच के वो 25 लाख रुपए लोन उतार सकता है। यही बात ये रॉबर्ट कियोसाकी कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी के पास 15,000 प्रॉपर्टी है जिसका उसने किराया इकट्ठा किया। किराया भी पता नहीं कितने मिलियन में इकट्ठा करा होगा, मिलियन क्या बिलियन में इकट्ठा किया होगा। तो जो उसके पास जितना उसके पास एसेट पड़े हैं, वो एसेट उसके जो लायबिलिटी है, लोन की लायबिलिटी है, उससे कहीं ज्यादा होंगे, बिल्कुल ज्यादा होंगे। परंतु हमें देखने की जरूरत है, हमें हमारे में प्रॉब्लम क्या है, कोई नेगेटिव खबर किसी की आ जाए उसी को तुरंत फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। कूलर पिज्जा वाले एक जलंधर में, यहाँ पर दो बच्चे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ, उनकी कोई नेगेटिव वीडियो आई, मैं कह रहा हूं हर एक बंदे ने उसको फॉरवर्ड किया। यार किसी बंदे की जिंदगी का सवाल है, आप इस तरीके से उनको लोगों में पहुंचा दिया कि वो कई बार उनसे उस लड़के ने बोला कि मैं सुसाइड करने का मेरा मन हूं। तो हमें यार जब भी कोई वीडियो हमारे पास आती है, नेगेटिव आती है, पॉजिटिव को हम कम फॉरवर्ड करते हैं, जब नेगेटिव आती है तो एकदम फॉरवर्ड कर देते हैं। जब भी कोई हमारे पास नेगेटिव वीडियो आए तो हमें सोचना बनता है कि इसको करना कि नहीं करना। कल को आप उसकी जगह खड़े करके देखो, अपने आप को, खुद को उसकी जगह पे खड़े करके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि आप कहां पर खड़े हो। सो उसने जो किसी तरीके से वो लड़का संभल गया, उसकी वाइफ थी साथ में, संभल गए, वो ठीक हो गया। और इसी तरीके से ये रॉबर्ट कियोसाकी की एक नेगेटिव वीडियो क्या आई, लोगों ने तरसली मचा दी, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर उसको भंडारा शुरू कर दिया। सो दोस्तों ऐसा नहीं है, रॉबर्ट कियोसाकी जिसने दुनिया को डायरेक्शन दी, दुनिया को इतनी बड़ी डायरेक्शन दी है, वो आदमी कभी भी गलती नहीं करेगा। यदि वो गलती कर गया, थोड़ी बहुत गलती कर गया, तो वो डेफिनेटली उसको समेट सकता है, गलती को उसको कवर कर देगा वो। मतलब उसके हमें लोन तो दिखाई देने पड़ गए, शुरू हो गए, उसने अपने मुंह से कहा है ना, किसी ने और किसी ने रिपोर्ट तो नहीं दी ना, उसने अपने मुंह से कहा कि मेरे ऊपर कर्जा है। कर्जा है तो उसके पास
ये तो हमें नहीं पूछा कि तेरे पास एसेट कितने है। यदि उसके पास एसेट है तो फिर क्या कर्जा क्या कहता है, कर्जा कुछ भी नहीं कहता। लोन लेके अमीर बनो, दुनिया बन रही है, दुनिया लोन लेके अपने बिजनेस कर रही है। कौन सा बंदा है जो लोन नहीं ले रहा, जितने बड़े बंदे हैं उतने ज्यादा लोन ले रहे हैं। हमारे अंबानी साहब है, हमारे अडानी साहब है, हमारे टाटा बिरला जो भी है, सभी के ऊपर लोन है। लोन लोन लेने का क्या दिक्कत है, लोन तो लेता ही आदमी, लोन लेता ही डेवलपमेंट के लिए, लोन लेता ही तरक्की के लिए। यदि रॉबर्ट कियोसाकी ने लोन ले लिया, उसके ऊपर लोन ज्यादा हो गया, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से उसके पास एसेट उससे कहीं भी ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। सो आज के लिए इतनी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और उसके ऊपर चर्चा करना। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा, तब तक चैनल के साथ बने रहे, मिलता हूं बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।